मोदी सरकार के सामने पेगासस जासूसी कांड का एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। विपक्ष ने सरकार को धरने के लिए सड़क से संसद तक बड़ी रणनीति बना ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से सीधा सवाल पूछा कि जिस हथियार को आतंकवादियों और देशद्रोहियों के खिलाफ उपयोग किया जाना था, उसका उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ क्यों किया। राहुल ने मोदी और शाह पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी ने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है। इसके साथ ही राहुल ने कहा, हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का उपयोग किया, हाँ या फिर ना। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, सरकार ने कहा कि संसद में पेगासस पर कोई बात नहीं होगी, सरकार ने मुंह में दही क्यों जमाया हुआ है। जो सरकार हर मुद्दे पर बवाल करती है, क्यों सरकार को सास सूंघ गई। राहुल यही नहीं थमे, आगे उन्होंने कहा, देश में विपक्ष के नेताओं, अफसरों, जजों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जासूसी के खिलाफ विपक्षी दल संसद में सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल भारत के साथ देशद्रोह है, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष यहाँ खड़ा हुआ है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया। पेगासस जासूसी मामला आखिर है क्या? इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ ग्रुप का सॉफ्टवेयर पेगासस है, कह सकते हैं जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेज और कॉल समेत तमाम जानकारियां हैकर के पास चली जाती हैं। पेगासस को किसी भी फोन या किसी अन्य डिवाइस में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी आपके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए भी ये आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने करीब 300 भारतीय मोबाइल नंबरों की जासूसी की है। सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन के फोन हैक किए थे। अब ये जासूसी कांड मोदी सरकार के लिए भारी संकट का सबब बनता जा रहा है और विपक्ष ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है।